राम राम जी, गुड आफ्टरनून। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2:30 बजे से। यहाँ पे चावल गए हैं अपने बन, इधर है खांड कीड़ी है और इधर है घी गरम किया है खांड में डालने के लिए। तो डाल लेते हैं खांड और घी, चावल ठंडे भी रहे हैं खांड चावल तो बिल्कुल, और खाने चाहिए खांड के साथ, कोई भी दाल के साथ भी खावे, कढ़ी के साथ भी खावे हैं, पर ज़्यादातर हम मिठे के साथ खाया कर रहे हैं। अब घी डाल दूँ इसमें, एक बार चावल डाल दूँ। भाई जिसको भी खाने हो आ जाओ, किस किस का मन कर गया। ये देखो किस किस का मन कर गया भाई खाने को, आ सको हो। डाल दूं मैं घी खांड में, लड्डू तो ये देखो घी, जब बटे पहले हो जाया करते ना तो चावल और खांड नहीं डाला करते, और कसार भी आपने खाया होगा बातिया में, नोई डाले हैं तो पटने पहले के रिवाज जाया करती हूँ। तो फिर भी भाई और कुछ बना हुआ है पहले, हलवा चावल वगैरह तो न्यू ये डाल लिया करते। और ये देख लो और डालती हूँ, थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। अपना घी है भाई देसी मंगावे हैं और खावे हैं कच्चे काटे हैं। तो भाई चलो दे के आते हैं इसके पापा को। लड्डू क्या कर रहे हैं, और ये देखो बैठी हैं, आ जाओ चावल खा लो। खा लो आप, खा लो। अच्छी है ना। बस यहाँ पे चाय और ये देखो यहाँ पे फोन पर लग रहे हैं। नाइशा नहा धो के हो गई है रेडी और मैं भी नहा ली हूँ। नाइशा को भी अभी नहलाया है, 4 बज गए आज अभी नहाई माँ बेटी पानी की वजह से। तो ये देखो और ये लग रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड ते पकड़े गए फोन पे, देख लो स्माइल बता सके हैं कि गर्लफ्रेंड ते लग रहे हैं, स्माइल बता सके हैं इनकी, पकड़े गए आज पति देव गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, देख लो स्माइल। देखो नाइशा, उसने आज ये वाली टी शर्ट डाली है क्रॉक्स पजामी। लड्डू क्या कर रहे हो। और ये देखो मैं भी नहा ली हूँ, नाइशा को भी ला दिया, अब बना रही हूँ चाय, 4 बज गए। देखो ओहो माय गॉड, तो चाय गई है उबल, डाल देते हैं दूध और वो है नहीं कर सर, गर्मियों में तो अदरक वगैरह भी ना डलती, सर्दियों में तो अदरक वगैरह डाल ली, गर्मियों में यो है थोड़ी सी सूफ डालते हुए
इलायची डाल दे तो मैं सौंफ डाला करूँ थोड़ी सी। ये सौंफ है, सौंफ सूख नहीं सौंफ। चाय ले आई हूँ देख लो। और ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लग रहे हैं और वही था कि इनने फोन नहीं रखा है। आ जाओ गर्मिया की चाय पी लो, गर्मिया में चाय सर्दियों को बार बार पीवा, गर्मिया में भी चाय पीवा हम तो गर्मिया में भी चाय पीवा हम। आ जाओ जिसने पीना हो, आज तो हो बिस्किट है, नमकीन है, कोकोनट वाली बिस्किट नाइशा को यही पसंद है। पहले गुड्डे गुड्डे लेके आया करते लेकिन इसने ये पसंद है इसलिए है ना, इसलिए ये लेके आया। तो भी आता हूँ जिसने चाय पीनी है, गर्मियों की चाय पीऊँ बिस्किट के साथ। गर्मियों में ऐसे अच्छी तरह लाग लेकिन आज बारिश हो गई है, कल ठंडा मौसम है। और ये देखो धन्ना को देनी चाय एक गिलास ही लेके बैठती है। हाँ ये देखो इबीन का फोन ना टिक रहा, मेरा ना कितनी गर्लफ्रेंड बना रखी ही थी। लड्डू देख ले क्या चाय है, कटोरे भर भर के चाय पिया ग्राम तो। लड्डू अभी पी रही है दूध क्योंकि इसका जब लेके नहीं आए थे ठंडा हो रहा था, अब होया इसका। लड्डू फिनिश करो बेटू, पहले दूध दूध पी लड्डू ने, दूध पियो पहले, बाहर में जाना बाहर, दूध पियो बेटू पहले, मोटी बरकत काल पड़ी। लड्डू दूध पी बेटू, मोटी बरकत काल पड़ी, दो दिन दाना ले गए। कहाँ जा रहे हो, दूध पियो जा। क्रैक्स ना हुई, वो क्रॉक्स में ही तन्ने वेरो पुछड़ है ना, मन ना वेरो LLB अपना करी है तो यहाँ पे आज मैं कैरी की खट्टी मिट्टी चटनी बना रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और ये जो कैरी की सब्जी है बहुत ही मतलब टेस्टी बनती है, ऐसे आप दो रोटी की जगह चार रोटी खाओगे। और खट्टी मिट्टी सच्ची बता रही हूँ इतनी टेस्टी बनेगी ना, आप लोग एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना। जो कैरी होती है ना उनको छील के काट लेना, उसके बाद ऑयल लेना थोड़ा सा जीरा डाल के, और आपको जो कैरी कटी हुई है ना वो डाल देनी है और कुछ नहीं डालना। उसके बाद आपको मसाले डाल के मिला देनी है, आप देख सकते हैं टमाटर प्याज कुछ नहीं डालना आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और सच्ची बता रही हूँ इतनी टेस्टी बनती है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ क्योंकि ये रेसिपी बहुत कम पता है, बहुत कम लोगों को पता है। और फिर आपको पानी ऐड कर देना है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने गुड़ है उसको थोड़ा सा कट करके रखा था, अब डाल देंगे हम इसमें गुड़। रियली में इतनी टेस्टी लगेगी, लस्सी के साथ खा के देखना, लस्सी हो दही हो उसके साथ तो ये खट्टी मिट्टी जी से आ जाएंगे, वाह क्या मजा आएगा। आप भी कहोगे कि बार बार बनाओगे ये चटनी। और उसके बाद गुड़ डालने के बाद एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच आपको चीनी डालनी है, चीनी वो इसलिए ताकि चाशनी मतलब अच्छे से और बन जाए। और ये देखिए प्याज टमाटर कुछ भी नहीं ऐड करना, सबसे पहले कढ़ाई लेनी है उसमें तेल गरम होना है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, और फिर आपने जो कैरी कट करके रखी है छील के वो डाल देनी है, थोड़ा पानी और सारे मसाले ऐड कर देने हैं।
उसके बाद गुड़ और थोड़ी चीनी, ये एक नंबर की चटनी बनती है। सच्ची बता रही हूँ भाई, एक नंबर की कति खा के न्याल हो जाओगे गर्मियों में। तो आप कहोगे कि बार बार बनाने का आपका मन करेगा, तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए जो चाशनी थी इसमें वो भी बन गई है, बिल्कुल खट्टी मिट्टी आम नहीं हो आकर खट्टे में, मतलब रोटी खाने में भी एकदम कति स्वाद सी लग जाएगी, और ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने सोचा चलो आज आपके साथ में ये शेयर कर ही देती हूँ ताकि आप लोग भी बनाओ। और ये देखिए अब मैं इसको एक कटोरे में निकाल लूँगी सारी को, और दो दिन तक खाती हूँ मैं तो फ्रिज में रख के, सही बता दूँ भैया अपनी, मतलब तीन दिन भी चला दी हूँ क्योंकि ये सिर्फ तेल में बना है और इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं पड़ता, तो ये आराम से तीन दिन तक भी चल सकती है फ्रिज में रख के। कति मज़े आ गए रेसिपी देख के तो।